So guys, welcome back, and here we are learning the basics of Blender. And in last video we have covered up the influencer properties, and now we are going to see track to constant properties. तो आइए देख लेते हैं. तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्यूब है, और यहाँ से हम शिफ्ट प्लस ए के साथ यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ऐड कर लेंगे यहाँ से मेश में आकर के, और हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे सिलेंडर. इसके बाद इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि हमारा जो है अच्छे से समझ में आए. और इसके बाद जो है हम यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ट्रैक टू. ट्रैकिंग में आकर के यहाँ से ट्रैक टू कॉन्स्टेंट को सेलेक्ट कर लेंगे. इसके बाद हम यहाँ से जो है, दोस्तों आपको अपने ऑब्जेक्ट को जो है सेलेक्ट करके यहाँ से ऐड टू ट्रैक टू करना है, और यहाँ से सिंपली आप ऐड कर लेंगे. इसके बाद आई ड्रॉपर पर क्लिक करके आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेंडर पर ला कर क्लिक कर देंगे. और अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट के बिलोंग जो है ट्रैक हो रहा है कुछ इस प्रकार से. तो इस तरह से आप जो है ट्रैक टू कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, और किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है इफेक्ट कर पाएंगे. और आप चाहे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके और यहाँ से आप इसे स्केल करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे. कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से आप इसको चाहें तो थोड़ा रोटेट भी कर सकते हैं. और इसके बाद जो है हम मूव पर आएंगे, और यहाँ से आप देखेंगे तो ये जो है ट्रैक हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से. तो इस तरह से हम इसे ट्रैक टू कॉन्स्टेंट का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं. और आप चाहे तो यहाँ से जो है हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट के साथ ए दबाएंगे, और यहाँ से हम एक प्लेन एक्सिस ले लेंगे, और इस प्लेन एक्सिस को मूव करा के जो है हम थोड़ा इधर ले लेते हैं. और अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और आपको ध्यान रखें आपको कॉन्स्टेंट के लिए आपको ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज़ में आना है, और यहाँ से आप जो है ट्रैकिंग में आकर ट्रैक टू पर क्लिक कर देंगे. और टारगेट एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ टारगेट में आकर के आपको इस आई ड्रॉपर पर क्लिक करना होगा, और इस बार जो है हम ऑब्जेक्ट इसको मानेंगे. और अब आप देख सकते हैं कि ये इसे जुड़ गया है, और अब हम जो है यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और दूसरे ऑब्जेक्ट को जो है हम ट्रैक करवा सकते हैं. इसी प्रकार आप चाहें तो यहाँ से स्केल के पर इसको स्केल भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से. और आप अगेन मूव पर आएंगे, और कुछ इस तरह से आप जो है इसका यूज कर पाएंगे. अगेन इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आएंगे, तो ट्रैक एक्सिस जो है यहाँ पे दिया हुआ है, डिफरेंट एक्सिस पे भी आप इसको सेलेक्ट करके आप इसे रोटेट करवा सकते हैं. जैसे कि ये वाई एक्सिस पे, ये जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, और आप क्लिक करके जैसे ही इसे आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे तो आपको जो है उसी एक्सिस पे इसको घुमा पाएंगे. अगेन हम सेलेक्ट करके नीचे आएंगे तो हमारे पास टारगेट वर्ल्ड स्पेस भी है, और यहाँ पर ओनर भी यहाँ पे है जिसमें वर्ल्ड स्पेस, कस्टम स्पेस और लोकल स्पेस दिया हुआ है, और यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर दिया हुआ है. तो इन्फ्लुएंसर के लिए आप पिछली वीडियो को देख सकते हैं, और अभी हम इसको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी. तो इसलिए जो है आप इसको जानना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो को जाकर देखिए, और आपको समझ में आ जाएगा.
तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।